हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बात करेंगे अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज का जो कि निकाली गई आपका BEL से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से ITI अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से पिछले एक सप्ताह से वैकेंसीज आउट की जो के हो रही है, कई सारे यहाँ पर सीनियर पोस्ट पर, ऑफिसर पोस्ट पर, अप्रेंटिसशिप जिसमें से डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, फाइनली ITI अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज कब आएगी, तो बड़ी अपडेट है। आप सबकी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज आ चुकी है, तो जितने भी कैंडिडेट ITI पास आउट हैं ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहने वाली। आपको पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक बहुत बड़ी नवरत्ना कंपनी है और यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड भी मिलते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए फुल डिटेल्स की जानकारी हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें। तो गाइस देख सकते हैं, रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है, आप यहां पर देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर ITI कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ITI कैंडिडेट्स के लिए यहां पर आउट की गई है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक नवरत्न एंड इंडिया प्रिपेयर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, जो कि टोटली सेंटर ऑफ सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी GI के अंदर में ITI कैंडिडेट है। इतना हम नहीं पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अब ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, वेल्डर है, ड्राफ्टमैन आपका मैकेनिकल है DMM के तौर पर, फिर आपका यहाँ पे कोपा के लिए वैकेंसीज है, MRNC के लिए यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, उसके बाद इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। तो रिलेवेंट ट्रेड से आपने ITI पास आउट किया है तो यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। लेकिन यहाँ पे कई सारे जो कि ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाए गए, आप देख सकते हैं कैंडिडेट फ्रॉम कर्नाटका स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया गया है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ITI आफ्टर 1/1/2018 यानी कि 1 जनवरी 2018 के बाद ही आपका ITI पास आउट है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे NCVT SCVT दोनों होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। एज लिमिट 21 ईयर दी गई है, उससे ज़्यादा एज लिमिट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ही कम एज लिमिट है 21 साल। उसके बाद ST SC वालों को 5 ईयर, OBC वालों को जो है वो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी प्योरिटी बेसिस ऑफ मेरिट बेस पे होगा, जिसमें से 10th और ITI दोनों की मार्क्स जो है वो जो ऐड किया जाएगा, फिर फाइनली उसकी कटअप तैयार की जाएगी। 1 साल की अप्रेंटिसशिप टेन्योर आपके लिए होने वाली है, जिसमें से 10,333 रुपये आपको लगभग ट्रेड को आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप कोपा और वेल्डर से अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 9,185 रुपया पर मंथ आपको मिलेगी। इसका फॉर्म गाइस आपको ऑफलाइन सेंड करना है, जो कि ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं लास्ट डेट 10 दिसंबर से पहले इसका जो फॉर्म है आपको फिल करके आपको सेंड करनी है। ये रहा ऑफिशियल फॉर्म, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यही जनरल इन्फॉर्मेशन है, होपफुली तो बेल को करना चाहिए कि ऑल इंडिया को कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कर्नाटका को किया है तो ये थोड़ी सी सैड हो जाती है बच्चों के लिए। तो होपफुली गाइस जो भी कैंडिडेट यूजफुल हैं, मतलब जो है एलिजिबल हैं, ज़रूर अप्लाई करें। अपॉर्चुनिटीज़ खैर अच्छी है, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।